अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नल सेट क्या होते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द नल सेट। पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नल सेट। नल सेट वो होता है जो खाली सेट होता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से खाली सेट बना के करते हैं, या तो इस तरह से ज़ीरो बना के इसको क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि नीचे कौन सा नल सेट है। तो हम फर्स्ट को रीड करते हैं। एक्स एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए से पहले लेटर आता है वो क्या है? तो गाइस, हम सबको पता है ए से पहले कुछ नहीं आता। सो दिस इज नल सेट। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। एक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव। अब देखो, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये खाली सेट नहीं है, इसलिए ये नल सेट नहीं है। सेकेंड, थर्ड हम देख रहे हैं। एक्स एक्स इज़ लेस देन सेवन। अब ऐसी रकम जो कि लेस देन सेवन है और ग्रेटर देन एट है, ऐसी कोई रकम नहीं है जो कि लेस देन सेवन हो, ग्रेटर देन एट हो, इसलिए ये नल सेट है। अब आगे देखते हैं। एक्स एक्स इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अ वीमेन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट ऐसी नहीं है जो कि वीमेन हो, इसलिए ये भी खाली सेट है। हमने ये क्वेश्चन को आज कवर किया, कल हमने इसको देख लिया था। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ दीज सेट आर फाइनेट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब है जिसको आप काउंट ना कर सके, बहुत ज़्यादा तादाद में हो, मतलब अनलिमिटेड हो, और फाइनेट वो है जिसको आप काउंट कर सके। अब देखते हैं नीचे वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से फाइनेट है और कौन से इनफाइनेट है। ओके, फर्स्ट है द मंथ्स ऑफ द ईयर। अब देखो, मंथ को आप काउंट कर सकते हो। देयर आर 12 मंथ इन द ईयर, आप काउंट कर सकते हो। आपने काउंट किया, देखो 12 मंथ्स। तो ये क्या है? ये फाइनेट है। अब देखते हैं द डेज इन द ईयर, हम डेज को भी काउंट कर सकते हैं ईयर्स में। तो ये भी क्या है? फाइनेट है। अब देखते हैं द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हम जो स्टूडेंट क्लास में होते हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? फाइनेट है। अब हम ज़रा इसको देखते हैं गर्ल्स, मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ आप ताकि आराम से देख सकें। ये है इवन नंबर का सेट 2, 4, 6, 8, 10। और आगे देखो डॉट 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 का मतलब ये आगे ख़त्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, और कितना चलेगा हमें नहीं पता। तो ये क्या है? ये इनफाइनेट है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि हाउ मैनी नंबर्स आर गिविन। तो ये इनफाइनेट है। अब आगे देखते हैं, आगे दो क्वेश्चन भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इसको भी ध्यान से समझना। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आ पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट है। लेट मी ड्रॉ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट के अंदर कितनी लाइंस पास आउट हो सकती है? तो देखो, यूँ पास आउट हो सकती है, यूँ 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 यूँ, हम जैसे भी करें, मतलब हम अनलिमिटेड लाइंस बना सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये वाला क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि एक पॉइंट में से कितनी भी हम लाइन पास आउट कर दें ये हमारी मर्जी है। सो ये इनफाइनाइट है। नीचे वाला देखते हैं। अ सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब देखो, दो पॉइंट्स में बना रही हूँ। अब हमें देखना है कि कितनी लाइन से टू पॉइंट्स में पास आउट हो सकती है। तो देखो, एक हो सकती है। अगर हम दूसरी ड्रॉ करने भी जाएँ ना, तो यूँ होगी। ये देखो, यूँ करके यूँ, तो दूसरे पॉइंट पे नहीं आ रही है। इसका मतलब है ये दो पॉइंट पे हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा मैं आगे कर देती हूँ, तो आप देख लें, ये मैंने टू पॉइंट्स बनाए थे और इसमें मैंने एक ही लाइन को पास आउट किया है, और हम एक ही लाइन को पास आउट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा को पास आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये फाइनाइट है। तो हमारे कितने इनफाइनाइट थे? ये इनफाइनाइट था और ये इनफाइनाइट था, बाकी सारे फाइनाइट है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।